गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सलाह पंचायत का मुखिया विपिन कुमार राय बोल रहा हूँ। सर मैं आया था अभी, राशन बटा रहा था तो डीलर लोग के पास, तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ 50 केजी अनाज होना चाहिए था, हाँ 5 आदमी, तो उसको दिया जाता है मात्र 45 केजी अनाज। तो मैंने और उसमें भी जहाँ 70 रुपया के 75 रुपया भी लेते हैं, 50 केजी दीजिए सब जगह पर यूनिट 5 केजी अब बटा रहा है, बांटना शुरू कर दिए हैं, आपको भी बांटना है, सब लोग को बांटना है। नहीं बांटेंगे, चलिए हम रिजाइन लिखते हैं, लाइसेंस निकालिए ऊपर चढ़ाइए और लिखिए इस पर कि हम रिजाइन लेते हैं, तैयार है आपका कागज लिखिए। यहाँ थोड़ी लिखेंगे, चलिए यहाँ से मैं मुखिया हूँ ना इस पंचायत का, अब सूरत में आप हो गए, नहीं लिखेंगे का, आप लिखिए अभी, आप धमकी दे रहे हैं कि हम रिजाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे, लिखिए रिजाइन, रिजाइन लिखिए ना, लिखिए जी हम कौन बांटेंगे, नहीं तो आप लिखिए जी, हम लोगों को नहीं पड़ता पड़ रहा है, नहीं पड़ता, लिखिए ना जी, अरे घर के अनाज बांटेंगे का है, सुनिए जबरदस्ती बात, आप जितना देते हैं जितना पैसा देते हैं वो लिखिएगा, आप बोलिए, आप लिखिए, लिखित में दीजिए, हम लोगों के गोदाम से कम राशन दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको मैनेज करके बांटते हैं, पैसा भी परमिट ले छी ना, अनाज भी परमिट, पैसा भी ज्यादा लिया जाता है, अनाज कम दिया जाता है, हमारा क्या रीजन है, रीजन है कम मिलता है, आप लिखिए कि हमको ब्लॉक से कम देता है, आप सिग्नेचर, हम सिग्नेचर, नहीं नहीं आप लिखिए ना, आप किसी को कंप्लेन किया है जो हमको अनाज कम मिलता है, किसको, साहब को, कौन साहब को, एमओ साहब को, वीडियो साहब, जब हम ब्लॉक में एमओ साहब चलिए हमारे सामने, नहीं नहीं हम चले, एक दिन हमारा मेरा ब्लॉक में मीटिंग रहता है, एमओ साहब से बोले तो बोले कि हम लोग को अनाज मिल देते हैं पूरा, अगर वहाँ गलती करता है तो आप समझिए, बिल्कुल वही सब, आप कैसे कह दिए कि हम रिजाइन दे रहे हैं, तो रिजाइन का रिजाइन दे देंगे, आप लिखिए कि एमओ साहब हमको 5 किलो बटवाइए ना, आपको बांटना होगा नहीं तो छोड़ना होगा, हाँ छोड़ देंगे, हाँ तो लीजिए कागज कलम तैयार है आपका, हमको लाइसेंस जहां देख लीजिए, यही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देते हैं, समझे ना, और यही लोग कहेंगे कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, और दिक्कत इस बात की है कि जो गरीब लोग के लिए अनाज मिलता है, अनाज देने के लिए भी तैयार नहीं है, ये कहते हैं कि अनाज कम मिलता है लेकिन उसका लिखित देने के लिए भी तैयार नहीं है, अगर शायद मैं यहाँ अकेले होता तो हो सकता है कि लोग हमारे ऊपर FIR भी करवा देते कि यहाँ गुंडागर्दी करने आए, गुंडागर्दी नहीं, गरीब लोगों का जो हक है वो छीना जा रहा है, सरकार अनाज देता है गरीब आदमी के खाने के लिए, उसको पेट पर मत मारिए, पैसा कितना ले रहे हैं अनाज कितना, हमारा के 5 आदमी के 45 किलो चावल गेहूँ, 5 किलो गेहूँ देखी, 40 किलो चावल देखी, 75 रुपया काटना, जबकि 70 रुपया होना चाहिए था और 50 किलो अनाज मिलना चाहिए था, मतलब एक परिवार में 5 केजी अनाज कम कर दिया गया, और कहते हैं कि रिजाइन देंगे, दीजिए रिजाइन, हम कागज कलम लेके आए हैं, दे देंगे हम लोग अपना, हम मुखिया है कहे नहीं दीजिए, दीजिए आपके सामने नहीं ना, कैसे ना दीजिएगा, आपका विभाग दूसरा है, मेरा विभाग सब है, सब नहीं आपको है, नहीं पता है, आप सुनिए रिजाइन लेने का पावर नहीं है, आप आपका आवेदन लिखिए ना कि हम रिजाइन देने वाले हैं साहब को, हमको बांटने में जितना आप रिजाइन लिख के देना, हम आवेदन लिख देते हैं, हम पहुंचा देंगे, हाँ लिखिए और आप साइन करिए, आप नहीं लिखिएगा सर, आप धमकी जो दे रहे हैं कि हम रिजाइन कर देंगे, आप लोग रिजाइन नहीं करिएगा, हमको पता है, और अनाज बांटिए दीजिए, हमारा 5 किलो पुरवा, हाँ 5 किलो पूरा, कहाँ है पूरा, नहीं मिलेगा, हम नहीं दे पाएंगे, इधर दिखाइए, इधर यहीं, और इनके खिलाफ भैया लिखिए SDO साहब को लेटर लिखिए, इनके खिलाफ SDO साहब को लेटर लिखिए, आप खुद कहते हैं कि हम अनाज नहीं देंगे, आप इनका काम हमको मिलेगा, हम देंगे, आप इनको 50 केजी पूरा दीजिएगा कि नहीं से कहिए, नहीं संभव नहीं है हमारे पास, नहीं दीजिएगा ना, हमारे पास संभव ही नहीं है, और रेट बढ़ा कर लीजिएगा, रेट बढ़ा कर 70 के बदले 75 क्यों लेते हैं, गेहूँ देते हैं 1 किलो ज्यादा, चावल देते हैं 1 किलो, हम गेहूँ का रेट कम है कि ज्यादा, ज्यादा 2 किलो का देसी दे दीजिए, मतलब एक परिवार को जाएगा तो यहाँ पर 5 केजी अनाज कम कर दिया जाएगा, सोचिए कितना परिवार है, कितना बड़ा घोटाला है, बलम को नहीं पोसाता। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सलाह पंचायत का मुखिया विपिन कुमार राय बोल रहा हूँ सर।
सर मैं आया था अभी राशन बटा रहा था तो डीलर लोग के पास, तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ 50 केजी अनाज होना चाहिए था, हाँ 5 आदमी, तो उसको दिया जाता है मात्र 45 केजी अनाज। तो मैंने और उसमें भी जहाँ 70 रुपया के 75 रुपया भी लेते हैं, और मैंने जब ये बात कहा इनसे तो ये कहते हैं कि हम नहीं बांटेंगे और जिसको शिकायत करना है उसको आप शिकायत करिए। तो अभी हम यहीं पर बैठे हुए हैं और लगभग 50-60 आदमी आपकी भी बात को सुन रहे हैं सर, और ये डीलर भी इसी जगह है। तो इनका कहना है कि हमको अनाज कम दिया जाता है, जबकि मैंने ब्लॉक में ये आवाज उठाई थी तो वहां पर एमओ साहब ने कहा कि नहीं हम लोग अनाज पूरा देते हैं। तो वहां जी कौन सा डीलर? रमेश कुमार है सर, ये मेरे सामने ही बैठे हैं जी सर। 60 लोग हैं जी, ठीक है जी सर। जी सर मैं लिखित देता हूँ और सभी लोगों से साइन करा के भी देता हूँ, मैं यहीं पर अभी। ओके सर, थैंक यू।